अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक। और जो है ना, आज के जो वीडियो ना थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि मुझे ये अपलोड कल करनी थी लेकिन हुई नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, आज ही होगी इंशाल्लाह। और जो है ना, मैं अभी जा रही हूँ सास के घर। और ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो जो लास्ट वीडियो थी ना, उसके दिन का शाम था क्योंकि मैंने डायरेक्टली वो वीडियो अपलोड की और उसी वक्त मैंने जो है ना ये वीडियो फिल्मिंग स्टार्ट की। एनीवे, तो मैं अभी जा रही हूँ सास के घर और आके डिनर बनाऊँगी। अच्छा, जो वीडियो है ना, ये मैं आ गई हूँ सास के घर से और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। और जब मैं गई थी ना सास के घर, तो उस वक्त मैंने दाल चूल्हे पे रखी गई थी हल्की गैस पर और वो अभी बॉयल हो गई है, बस उसको राय देनी है। और वाइट चावल जो है ना मैंने चढ़ा दिए, तो दाल के लिए मसाले चाहिए थे ना, तो तरह से मसाले कम हो गए। अब मैं जो है ना ये जो जार है ना दोबारा फिल कर रही हूँ क्योंकि जो मसाले ना थोड़े से कम हो गए, जिस तरीके सॉल्ट वगैरह जो है ना ये कम हो गए, तो मैंने सोचा सबको जो है ना अभी फिल कर देती हूँ। ओके एवरीवन, तो मेरा डिनर रेडी है और दाल बन गई है और चावल भी, और बस मैं अभी खाने लगी हूँ। और इसके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा सा ब्राउन ऑनियंस और इसके साथ रेड चिलीज़ का जो सॉस है वो मैं बस ऐड करके खा लूँगी, क्योंकि हाल ही में भी इस तरह खाते हैं ना, तो मेरा मूड था कि बस इस तरह ही खा लूँ विदाउट राइस, तो बहुत ही यमी था। एनीवे, तो बस मेरा डिनर रेडी है और मैंने खा लिया और आज का व्लॉग जो है ना यहीं तक है। आई मीन व्लॉग तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये इस दिन का जो व्लॉग था ना मैंने यहीं तक फिल्म किया था क्योंकि उसके बाद मैंने डिनर कर लिया था और बर्तन भी वॉश किए और नमाज़ पढ़ के बैठ गई थी किताब पढ़ने, तो इसलिए मैंने कोई भी फिल्मिंग नहीं की। अच्छा, ये जो है ना सेकेंड डे का मॉर्निंग है और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है और चाय चूरी पर रखा था, तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा वीडियो बना लूँ यहीं के। और ये गली है जो सबको पता है और आप लोगों ने पहले भी देखी है, ये लाउंज की गली थी, तो इसमें बस थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं। एनीवे, तो मैं इसलिए अब जल्दी से वीडियो बना रही हूँ सुबह के, क्योंकि मैं अभी तैयार होकर गाँव जाऊँगी, मुझे तो विलेज जाना है लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं और जाएंगे, तो इसलिए मुझे जो है ना विलेज छोड़ के बाबा के पास और वो कहीं और जाएंगे, तो बस मैं अभी जो है ना चाय पीऊँगी सुबह की और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और जल्दी तैयार होकर फिर हम जाएँगे विलेज। काफ़ी दिन हुए हैं मैं बाबा के पास नहीं गई, विलेज तो का बीच में तो गई हूँ दो दिन तीन पहले, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बाबा के पास जाऊँ, तो इसलिए आज मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड वैसे भी जा रहे थे और वो रास्ते में ही होगा विलेज, तो इसलिए मैंने उसे कहा था कि मुझे छोड़ के फिर आप भले जाओ। एनीवे, तो बस मैं अब ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी सी, और मेरे हेल्पर अभी तो आए नहीं है लेकिन शायद आज मैं उनको वो छुट्टी दे दूँगी, अगर आ गई तो थोड़ा सा काम करवा लूँगी, अगर नहीं आई जो है ना फिर मैं उनको छुट्टी दे दूँगी। एनीवे, प्रेस वाली तो आ गई है, उसको मैंने कपड़े दे दिए है लेकिन सफाई वाली अभी तक नहीं आई। बस अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और उसके बाद जो है ना मैं जाके तैयार हो जाऊँगी। ओके एवरीवन, अब मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और बर्तन वगैरह एवरीथिंग वॉश कर लिया, सब कुछ रेडी है और मैं भी खुद रेडी हूँ। ये जो सूट है ना, ये शर्ट कि निशात की है, ये शर्ट मैंने अलग ली थी, ये फुल सूट नहीं है, ये ओनली शर्ट थी मैं निशात से ली थी। और जिस दिन दी थी ना, गेस मैंने को एक व्लॉग बनाया था और आप लोगों को दिखाया भी था, शायद नहीं कंफर्म है कि मैंने वीडियो बनाई थी। एनीवे, तो बस मैं अभी रेडी हूँ और बैकपैक मेरा रेडी है।
ओके एवरीवन, तो मैं पहुंच गई हूँ बाबा जी घर। और बाबा के घर आके पहले मैंने थोड़ा सा काम किया था बाबा का, क्योंकि बाबा जो है ना कुरान पढ़ रहे थे और अभी टाइम नहीं था कि हम दोनों बातें करें, तो इसलिए बाबा जब तक कुरान पूरा करे तब तक मैंने दूसरे काम किए थे। और उसके बाद जो है ना हम दोनों 2 आवर्स यही बातें करते रहे। उसके बाद हम गए थे सिस्टर के घर और बाबा गए थे चिप्स लेने के लिए हमारे लिए, और बाकी सिस्टर्स अभी आई नहीं, वो आने वाली होंगे। حتى كنت بسكو صح كلام واحد احد سوى كمنت وقال لي انه انت اذا سكيتي يعني حيأثر على قناتك من جهه صح كلامهم خبطت انت كنت كاتبه لي مظبوط جوزي بس كذي 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 بعد اللي هي صوري انا صار فيديو ولا اوكي من أرسلها؟ الحالة سليمة درجة لك أستنى من طمعهم ولا شبهنا كل معنا ذكي جوزي نيسوني جوزي سليمة جوزي لك من ذكي أستنى قولي الله من لي عشان بعد أنا أبدأ أكل। उसके बाद हमने लंच किया था और लंच के बाद कस्टर्ड भी खाया था। और बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की कब फ़ोन आएगी, तो उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि वो सुबह से गए हुए और अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी कॉल नहीं आई। और उसके बाद जो है ना हमने चाय पी, शाम की चाय, और स्टिल मेरे हस्बैंड की कॉल नहीं आई। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो कपड़े सी रही थी, कह रही थी कि इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि कोई काम हो जाए। तो उसने भी कहा चलो बातें भी करते हैं और थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं साथ में। और मैं जो है ना जमीन पर बैठी चाय पी रही थी। لا لا مو بالوزن بالمقاس لا انا زي كده قلت له انه ابغى علي مثال ओके एवरीवन, तो अभी असर का टाइम हुआ है और मैं नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड की फ़ोन आ गई थी कि मैं आ गए और आप आ जाओ, तो इसलिए बस अब मैं रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ। और बाबा को भी अल्लाह हाफिज़ कर दिया और सब सिस्टर्स को। अब मैं वापस जा रही हूँ घर। अच्छा, और ये सनसेट इतना अच्छा लग रहा था, उस वक्त मैंने इसका शॉर्ट्स भी निकाला था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं वीडियो में किस तरह लग रहा है, लेकिन वहाँ देखने में बहुत अच्छा था। उसके साथ बर्ड्स भी जा रहे थे ना, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। एनीवे, तो बस मैं अब घर पहुँचने वाली हूँ। और मुझे जो है ना पता नहीं क्यों चाय की अशद ज़रूरत है दूसरे कप की, थकावट हो रही है या शायद सुबह को जल्दी उठी और बीच में बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे चाय की अशद ज़रूरत है घर जाके। तो पहले मैं जो है ना एक चाय का कप बनाऊँगी। ओके एवरीवन, तो मेरी चाय रेडी है और उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर। और बस अभी मगरिब का टाइम हुआ है। एनीवे, तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। इंशाल्लाह आप सबको देख के मज़ा आएगा एंड इंशाल्लाह मिलेंगे सून। अल्लाह हाफिज़।